दोस्तों आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको ये जो कद्दू है उसकी सब्जी बनाना सिखाती हूँ। ये आधा किलो कद्दू है और ये मैंने इसके साथ आलू लिया है। और सब सामग्री मैं आप सबको बताती हूँ मैं इसके साथ क्या यूज करती हूँ। ये कद्दू की सब्जी जैसे आप भंडारे में खाते हैं और भंडारे में इतना स्वादिष्ट सब्जी रहती वैसे बनेगी। और ये एकदम मैंने अलग तरीके से बनाई है, आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। तो मैंने कद्दू की सब्जी के लिए लिया है, ये सौंफ है और ये गरम मसाला। तो मैंने ये गरम मसाला जो भी रहता है लौंग लिया है, काली मिर्ची और ये जो गरम मसाले में लकड़ी रहती है वो ली है, और ये सूखा लाल मिर्ची, अमचूर पाउडर, थोड़ा मेथी लिया है, मेथी के साथ ये राई और कलौंजी है, और ये तेज पत्ता, हल्दी और लहसुन, अदरक और ये सब्जी मसाला है। और इसमें थोड़ा गुड़ भी पड़ता है। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल यूज किया है। तो आपका जो मन करे वो यूज कर सकते हैं। और लहसुन अगर किसी को नहीं पसंद है लहसुन अदरक तो वो नहीं डाले, पर फिर भी उसका स्वाद एकदम अच्छा रहता है। मैंने कढ़ाई को गैस पे गरम करने के लिए रख दिया है और अब मैं कढ़ाई में तेल को डालती हूँ। थोड़ा सा हींग भी लिया था मैंने, ये देखिए आप। कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है और तेल आप कम ज़्यादा अपने अनुसार डाल सकते हैं, घी तेल जिससे आपको बनाना है। लेकिन मैं ये सब्जी ये कढ़ाई में भून रही हूँ और इसको मैं कुकर में बनाऊँगी। कुकर का थोड़ा मुँह छोटा है और मेरे पास छोटा कुकर है, तो मैं अगर आप चाहें तो सीधा कुकर में ही बना के सीटी लगा सकते हैं। और ये एकदम अच्छा इसका फ्लेवर कुकर में बहुत अच्छा आता है। हमारा तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो पहले मैं इसमें मेथी दाना डालूंगी, फिर थोड़ा हींग और अपने सब मसाले डाल दूंगी, फिर उसके बाद इसमें आलू को फ्राई करूंगी, फिर कद्दू डालूंगी बाद में। अभी मैंने मेथी दाना डाल दिया, हींग डाल दिया, फिर मैं इसमें सौंफ डालूंगी। अभी मैंने कढ़ाई में सब मसाले डाल दिए हैं और अब मैं इसको चलाती हूँ। बताता हूँ, इसके साथ अच्छे से भून लेना है, फिर बाद में कद्दू डालेंगे। और थोड़ा भुनने के बाद इसमें अदरक को भी डाल देंगे जो मैंने घर पे रखा हुआ है। हमारे आलू देखिए अच्छे तरह भुन गए हैं, अभी ये फ्राई हो गए हैं। तो और थोड़ा फ्राई करने के बाद इसमें मैं कद्दू डाल दूंगी। कद्दू को मैंने डाल दिया और मैंने थोड़ा बड़ा पीस काटा हुआ है, तो आप अपने अनुसार काट सकते हैं, जैसे आप करना करें। यदि कद्दू थोड़ा अच्छा भुन जाएगा तो मैं इसके बाद इसमें अदरक को डाल दूंगी। ये सब्जी चावल पराठा और पूरी जिसके साथ आप खाएं तो बहुत अच्छी लगती है। चावल के साथ ही ये दाल की जरूरत नहीं, जब चावल और सब्जी खाएंगे तो भी ये बहुत टेस्टी लगती है। कई लोग कद्दू खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप ऐसी सब्जी बनाएंगे तो जब वो एक बार खाएंगे तो दोबारा भी कहेंगे कि ऐसे कद्दू की सब्जी बनाई है। आप बना के देखिए ऐसी सब्जी, तो आपको इसका स्वाद एकदम अलग लगेगा। और अभी थोड़ा और भुन जाए तो मैं इसमें अदरक घर के रखा है वो डाल देते हैं, क्योंकि हमारा कद्दू भून रहा है। और जब लास्ट में हमारी सब्जी बन जाएगी तो उसको हम हरा पुदीना रहता है उसके गार्निश करेंगे, तो कद्दू का स्वाद पुदीने के साथ भी एकदम बहुत ही अलग आता है और ये बहुत अच्छी सब्जी बनती है। कद्दू हमारा अच्छे से भून रहा है, कद्दू को अच्छे से भूनना है। और ये जब अगर कोई त्यौहार पर बनाते हैं तो इसमें लहसुन डालें मत, लहसुन नहीं डालना चाहते तो मत डालें, तो भी ये बहुत अच्छी बनती है। अभी मैंने इस पे अदरक डाल दिया है, अब अदरक के साथ इसको भून लेते हैं। मैंने सब्जी में हल्दी और जो सब्जी थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला है
और नमक डाल लिया है स्वाद अनुसार। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और अभी ये मसाले को मैं भून लेती हूँ, हम जूस को लास्ट में डालेंगे। और थोड़ा सा सूखा लाल मिर्ची भी डाल देते हैं। मैंने इसमें पिसी लाल मिर्ची पाउडर भी डाली है। तो जो शादी में कद्दू की सब्जी बनती है ना रेड कलर की टेस्टी टेस्टी, तो ये वैसे ही बनेगी। अभी मैंने सब्जी में थोड़ा सा पानी डाला है और मसाले को थोड़ा और अच्छे से भून लेती हूँ। फिर मैं इसको कुकर में थोड़ा पानी डाल के कुकर को दो सीटी लगा दूँगी। अमचूर डाल दिया है, थोड़ा अमचूर डाल के भून लेती हूँ। फिर मैं इस पर गुड़ डाल दूँगी, गुड़ छोटा सा चम्मच, जो पिसा गुड़। गुड़ भी डाल सकते हैं सकता, लेकिन गुड़ बहुत अच्छा रहता, तो गुड़ आप अपने अनुसार थोड़ा डालें। ये पतंजलि का गुड़ है जो ऐसे पाउडर के फॉर्म में आता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दूँगी। अभी मैंने इसमें गुड़ डाल दिया, सब मसाले डाल दिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के कुकर में लगा देती हूँ। आपको दिखाती हूँ कुकर में लगाते हुए। अभी मैंने सब्जी कुकर में डाल दी है और अब मैं इसमें पानी भी मैंने डाल दिया है। अभी कुकर में पानी डाल दिया है और अभी पानी ज़्यादा नहीं डालना है, तो अपन अपने अनुसार कम ही पानी डालें। और मैं अब इसमें कुकर के ढक्कन को बंद कर देती हूँ।